देखिए, जेईसीसी में जो है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो है आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है समिट का उद्घाटन किया, साथ ही अपना संबोधन भी दिया। जो है खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हनुमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज किया, साथ ही अपना संबोधन भी दिया, कैसा कुछ कार्यक्रम रहा, पूरी अपडेट चाहेंगे। तुसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था आज राजस्थान राइजिंग जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट थी उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचे थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक करीब जो है 10 बजे के जो है प्रधानमंत्री जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे यहां पर सीतापुरा जेईसीसी जहां पर ये कार्यक्रम था वहां पर पहुंचे और इसका जो है राजस्थान राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान जो कई जो उद्योगपति है उन्होंने भी संबोधित किया। वहीं भजनलाल शर्मा ने जो है विजन प्रस्तुत किया कि राजस्थान किस तरीके से तेज गति से इस विकास को आगे बढ़ा रहा है, वो सामने प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेशन दिया कि राजस्थान किस तरीके से आने वाले वर्षों में जो है प्रगति करेगा, कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा, उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इसके बाद प्रधानमंत्री का भी संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने इस समिट के आयोजन के लिए बीजेपी सरकार जो यहाँ की है उसको बधाई दी और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दुनिया की जो नजरें हैं फिलहाल जो है सभी भारत देश की तरफ देख रहे हैं, तो राजस्थान में निश्चित रूप से इसे निवेश बढ़ेगा। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर आए हैं उनको भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी कि राजस्थान जो है यहाँ पर टूरिज्म में अपार संभावना है, सौर ऊर्जा में अपार संभावना, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान में जहाँ पर निवेश की अपार संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है अपने उद्बोधन में जो है भजनलाल सरकार के काम की भी तारीफ की कि एक साल के अंदर भजनलाल सरकार ने यहाँ पर काफी कुछ काम किया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर तारीफ की है। अब सीतापुरा में जो ये कार्यक्रम था इसके बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना होंगे और एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है जो है यहाँ सीतापुरा से जो एयरपोर्ट पहुंच के फिर वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी रितु जी, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलेंगे क्योंकि अब जो है उनका संबोधन भी हो चुका है, जिसके बाद 2 घंटे तक उनका रुकने का कार्यक्रम था। अब कब कितने बजे तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे? दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम तय है उसके मुताबिक सीतापुरा से अब उनका संबोधन समाप्त कर रहा है तो कुछ ही देर पलों में वहां से रवाना होंगे और एयरपोर्ट और सीतापुरा की दूरी डिस्टेंस बहुत कम है तो 3-4 से 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। फिर यहां से जो है आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो है उद्घाटन कर दिया है और तमाम जानकारी हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने हमें दी कि अब उन्होंने अपना संबोधन, पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दे दिया। अब थोड़ी देर बाद वह सीतापुरा से अब एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे जहां से वह दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के बाद अपना संबोधन दिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद कई इन्वेस्टरों ने अपने काम के बारे में वहां पर अपनी जानकारी साझा की और पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। कहीं ना कहीं विकसित भारत, विकसित राजस्थान का जो सपना अब इन 3 दिनों में साकार होता हुआ नजर आएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। बता दें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल हुए हैं। अब जो है विकसित भारत, विकसित राजस्थान का जो है सपना साकार होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। हनुमंत, देखिए 30 करोड़ का करीब एमओयू 3 दिनों में साइन हो जाएंगे, तो क्या लगता है जो विकसित भारत, विकसित राजस्थान है उसका कितना सपना साकार होता नजर आएगा? जी, पहुंच चुका है प्रधानमंत्री का, यहाँ से प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट के पास में, यहाँ से जो है रवाना हो रहे हैं। आप देखेंगे ये काफिला है प्रधानमंत्री का, यहाँ पहुंच चुका है। इस चौराहे से जो एयरपोर्ट की तरफ गाड़ियां मुड़ रही हैं इसी के जो है काफिले के अंदर प्रधानमंत्री खुद मौजूद है। आप देखेंगे एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट से सीधे वो जो है ये देखिए नरेंद्र मोदी ब्लैक कलर की जो गाड़ी जा रही है इसी के अंदर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से ये गाड़ियां सीधी एयरपोर्ट पहुंच रही है और एयरपोर्ट से जो है प्रधानमंत्री सीधे विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री अब एयरपोर्ट जो है पहुंच चुके हैं और यहाँ से वो दिल्ली के लिए यहाँ पर उड़ान भरेंगे और विशेष विमान के जरिए दिल्ली रवाना होंगे। जी ऋतु जी, देखिए हनुमान, तक पीएम मोदी का काफिला जो है अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है, कैसी चाक चौबंद नजर आ रही है आपके इर्द गिर्द? मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके की चाक चौबंद आपके इर्द गिर्द नजर आ रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की है, चारों तरफ से यातायात जो है उसको रोक रखा है और किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जहाँ से गाड़ियाँ ये काफिला गुजरा है, देख सकते हैं अभी भी काफिला गुजर रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी जो है वो भी सी ऑफ करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ अभी भी काफिला जो निकल रहा है एयरपोर्ट की तरफ, ये चंद मिनटों में एयरपोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि हम एयरपोर्ट की बाहर वाली जो चौराहा है उसी रोड पर खड़े हैं। यहाँ से जो चंद एक मिनट की भी दूरी नहीं है एयरपोर्ट की, तो प्रधानमंत्री लगभग एयरपोर्ट अब पहुंच चुके हैं और यहाँ से विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री जो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट थी उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए थे और इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सांगनेर प्रिंट का भी यहाँ पर जायजा लिया, ग्लोबल एक्सपो का भी उन्होंने इनोग्रेशन किया, साथ ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान की भी तारीफ की कि राजस्थान बीजेपी सरकार ने बढ़िया आयोजन किया है, निश्चित रूप से इससे निवेश का बढ़ावा मिलेगा राजस्थान। प्रधानमंत्री ने साथ ही एक बड़ी बात की कि शुरू से मैंने ये कहा है कि अगर राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा, यानी राज्य में अगर विकास होता है तो देश निश्चित रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। तो राजस्थान में जो ये राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है इसमें निश्चित रूप से राजस्थान में निवेश बढ़ेगा। राजस्थान में उन्होंने कहा कई सेक्टर है जहां पर टूरिज्म की अपार संभावना है और भी ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर राजस्थान में निवेश बड़ी तादाद में जो है यहां पर हो सकता है। इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया। 30 करोड़ का जो है MOU इन 3 दिनों में साइन होने के आसार है, तो क्या लगता है कि जो विकसित भारत विकसित राजस्थान का जो सपना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर बार विकसित राजस्थान की बात करते हैं, क्या लगता है जो इन 3 दिनों में ये सपना साकार होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, इस बार राइजिंग राजस्थान की तैयारी राज्य सरकार ने लंबे समय से कर रही थी। आपने देखा होगा कि अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, अलग अलग देशों की वहां पर भेजा गया था, रोड शो किए गए इसके लिए, जिले में अलग अलग इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, प्री समिट जो आयोजन की गई, अलग अलग क्षेत्र की प्री समिट के पहले आयोजन किए गए, तो तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी दी गई कि समिट के अंदर किस तरीके से अधिक इन्वेस्टर राजस्थान की तरफ आए। अभी जो इन्वेस्टर जो है बड़े बड़े जो ग्रुप के इन्वेस्टर है, जो CEO MD है, उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा, अनिल अग्रवाल ने भी संबोधित किया था, तो उन्होंने भी कहा कि राजस्थान में हमने निवेश किया, हमें फायदा हुआ है, तो हम कहना चाहते हैं कि सभी इन्वेस्टर यहाँ आए, राजस्थान के अंदर विकास करें और राजस्थान की इस निवेश करेंगे, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, राजस्थान में निवेश की अपार संभावना है। तो बड़े जो कंपनी के जो CEO MD यहाँ पर आते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर के सामने यहाँ राजस्थान निवेश के आने के लिए भी प्रोत्साहित किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की कि राजस्थान जो है राइजिंग राजस्थान, यहाँ पर आप देखेंगे ये काफिला और भी गुजरता हुआ, यहाँ पर VIP मूवमेंट्स बहुत सारे VIP का यहाँ पर है, तो अलग अलग काफिला यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि समिट का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री अब एयरपोर्ट पे है और कुछ पलों में रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस समिट में राजस्थान में निवेश आने की संभावना है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि करीब 30,000 करोड़ के जो MOU है वो यहाँ पर होने की संभावना है, अलग अलग कंपनी और बड़े बड़े ग्रुप को यहाँ पर बुलाया गया। वहीं राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए भी अच्छा निवेश आने की इस बार सरकार की तरफ से उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए अपार संभावना है। तो ऐसे में सौर ऊर्जा से संबंधित बड़ी तादाद में इन्वेस्टर यहाँ पर इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि सौर ऊर्जा में भी एक बड़ा निवेश आएगा। पर्यटन सेक्टर में राजस्थान पहले से ही जो है अग्रणी है, तो पर्यटन में भी अपार संभावना है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में जिक्र किया कि राजस्थान में जो है अनेक संभावनाएं राजस्थान के अंदर जो है सेक्टर में है, खासतौर से टूरिज्म सेक्टर की का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बीजेपी सरकार के इस आयोजन के लिए समिट के लिए बधाई भी दी। इसके अलावा भजनलाल सरकार के कार्य की तारीफ की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भजनलाल सरकार ने एक साल में, ऐसे तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। तो इस इन्वेस्ट जो समिट है 3 दिन आयोजित होगी, प्रवासी राजस्थानों का सम्मेलन भी है, अलग अलग सेशन है जिसमें यहाँ पर चर्चा की जाएगी राजस्थान में कैसे निवेश बढ़े, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर यहाँ की सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि और जो निवेश के लिए आए हुए इन्वेस्टर है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिले और राजस्थान के अंदर विकसित राजस्थान का जो सपना है वो साकार हो, किस तरीके से विजन जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया कि सरकार कैसे काम करेगी, ऐसे तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। 3 दिन तक ये सेशन चलेगा, अलग अलग इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, देश दुनिया के 5,000 से अधिक इन्वेस्टर है, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, कई देशों को पार्टनर भी बनाया गया है। तो ऐसे में ये समिट अपने आप में ग्लोबल समिट बन चुकी है और प्रधानमंत्री ने कहा इस तरीके का आयोजन से निश्चित रूप से राज्य का भी विकास होता है, देश का भी विकास होता है और दुनिया भर का निवेश जो है देश में आने की संभावनाएं भी अधिक होती है। जी ऋतु सिंह जी हनुमंत, देखिए इन्वेस्टर्स जो है बाहर से आए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, देश विदेश से उद्योगपति जो है इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर शामिल होने के लिए आए हैं, तो उनको किस तरीके से अब राजस्थान की संस्कृति से रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ इसके अलावा और अदर उनके लिए कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, जो मेहमान आएंगे, मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान शुरू से ही जाना जाता है। राजस्थान की लोक कला संस्कृति जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो भी मेहमान आएंगे उनके लिए विशेष हेरिटेज होटलों का इंतजाम किया गया है, उनको उसी जगह रुकवाया गया ताकि एक उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि राजस्थान की संस्कृति के बारे में जाने। साथ ही उनके लिए अलग अलग जो है म्यूजिकल कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। रामबाग पैलेस में भी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसके अलावा जलमहल की पाल पर भी अलग अलग दिन पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लोक कलाकारों को बुलाया गया है, अलग अलग कलाकारों को बुलाया गया है। रविंद्र उपाध्याय भी प्रस्तुति देंगे। ऐसे तमाम राजस्थान के जो कलाकार हैं, लोक कलाकार, 100 अलग अलग जो राजस्थान की कला संस्कृति है उसका रूबरू कराने के लिए कलाकारों का स्वागत उस तरीके से किया जाएगा। राजस्थान की जो संस्कृति जिसकी पहचान है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है इन मेहमानों का जो है स्वागत किया जाएगा अनेक कार्यक्रम। इसके अलावा मेहमानों को विजिट भी जो कराई जा सकती है, मॉन्यूमेंट्स है, हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर, नारगढ़, तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स है। जयपुर शहर अपने आप में एक हेरिटेज सिटी है, वॉल सिटी है। जयपुर शहर का परकोटा हो उसको भी सजाया गया है, जयपुर के चौराहे को सजाया गया, अलग अलग थीम पर सजाया गया। तमाम तरीके के निवेशकों को जो है यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराने उनके मेहमान नवाजी स्वागत किए हुए सत्कार में तमाम पलक पावड़े यहाँ पर सरकार की तरफ से बिछाए जा रहे हैं ताकि मेहमान यहाँ से राजस्थान की संस्कृति को लेकर देश विदेश में जाएं और वहाँ पर प्रशंसा करें कि राजस्थान एक खूबसूरत प्रदेश है और जयपुर शहर अपने आप में गुलाबी शहर विश्व पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में पहचान रखता है। तो ऐसे में मेहमान नवाजी के लिए कोई कसर सरकार की तरफ से नहीं रखी जा रही है, तमाम तरह के इंतजाम मेहमानों के लिए किए गए हैं। जीतू जी, जी अनुमत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जयपुर आए, उन्होंने इस जो है समिट का उद्घाटन किया और साथ ही राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को लेकर खास उन्होंने अच्छी अच्छी बातें भी कही। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।